दोस्तों, आज की हमारी इस हेल्पफुल वीडियो में आप लोगों का बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कई भाइयों का कमेंट आ रहा था कि सर ऑक्टापैड की सेटिंग बताइए, ऑक्टापैड की सेटिंग कैसे करें, इसका बेस बिल्कुल भी ना फटे, बिल्कुल बंधा हुआ बेस आए, बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी का बेस मिले। तो मैं आपको बताता हूँ कि ऑक्टापैड की सेटिंग जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, तो इस सेटिंग को आप करोगे कोई भी मिक्सर हो, आपको थोड़ा अपने मिक्सर के अनुसार थोड़ा 19-20 करना पड़ेगा और मेन सेटिंग इसकी यही होगी। तो थोड़ा बहुत आगे पीछे आप मिक्सर के अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत अंतर होता है सभी मिक्सर में, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो लगभग आप ऐसी सेटिंग किसी भी मिक्सर पर रख देंगे तो आपकी सेटिंग अच्छी आएगी। तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसकी आवाज़ को आप सुन सकते हैं कि किस तरह से इसकी आवाज़ आ रही है। जो सेटिंग के समय आप हेडफोन का यूज़ करके वो इसको सुन सकते हैं, और मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ कि किस तरह से इसकी आवाज़ आ रही है, तो आप सुनेंगे। इसके बाद मैं बताऊँगा कि किस तरह से मैंने वॉल्यूम को रखा है, कहाँ पे कैसी सेटिंग की है। तो पहले आप इसको आवाज़ को आप सुन लीजिए, फिर मैं आपको इसकी सेटिंग बताता हूँ कि किस तरह से मिक्सर से इसकी सेटिंग रखी है, कौन सा मैंने मिक्सर यूज़ किया है। तो देख लेते हैं, ये हमारा मिक्सर है, आपको दिखा रहा होगा यहाँ पे यामा का MG16XU। यहाँ पे जो ये ग्रीन वाली आपको लीड दिखाई दे रही है, तो आपको ये जो इसके स्विच ऊपर दो होते हैं ये MG16XU में, तो ये दोनों आपको ऊपर ही रखना है, यानी दबा के नहीं रखना है, दोनों को आप ऐसा रखेंगे। इसके बाद में जो पेन है तो फुल पे रखेंगे। कंप्रेसर को आप कंप्रेसर आपको दिखाई दे रहा हो, कंप्रेसर कहाँ तक खुला है 25%। इसके बाद में ट्रेबल है, तो ट्रेबल को देख लीजिए, ट्रेबल इतना इसमें दिया गया है। और आप इसके जो चारों वॉल्यूम है आपको इस तरह से इसमें सेट करना है, और ये हमारा मिड है और ये हमारा लो है। तो इस तरह से इसको सेटिंग किया गया है, ये चारों वॉल्यूम आपको ऐसे ही रख लेने दिया। आप MG16XU चलाते हैं तो बाकी सेटिंग तो आप जानती हैं, पेन को आपको बीच में रखना है और इसके बाद में इको इसमें नहीं देना है। तो ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। इसके बाद आप ऐसा ही आप फिक्स वॉल्यूम रख के चलाएंगे, यदि यामा का MG16 यूज़ कर रहे हैं तो आप ऐसा रख के चलाएंगे तो आपको बेस्ट क्वालिटी मिलेगी, कोई भी दिक्कत इसमें आपको नहीं आएगी। देख लीजिए, यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा, मैंने आपको बिल्कुल पास से दिखा दिया है, गेन हमारी कहाँ है, कंप्रेसर हमारा कहाँ है, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर दिख गई होंगी। तो यहाँ पे आपको ऐसी सेटिंग रख के चलाना है तो आपकी सेटिंग बहुत ही मस्त आएगी, आवाज़ बिल्कुल भी नहीं फटेगी, बहुत ही शानदार जो क्लियरिटी है वो इसमें आपको मिलेगी। और इसमें आपको जो इसका जो मेन फेडर होता है, जहाँ से आप मेन आवाज़ देते हैं, यहाँ से देख लीजिए, फेडर को मैंने पूरा बड़ा रखा है। आप चाहें तो जो हमारा मेन फेडर होता है ये वाला, तो इस मेन फेडर को थोड़ा बढ़ाएंगे तो वो हमारा फेडर जो हमारा इसका मेन फेडर है ये नीचे थोड़ा आ जाएगा। तो मैंने अभी उसको बहुत ही कम रखा है, उसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये इतना रखेंगे तो इतने पे बहुत अच्छी सेटिंग आ रही, कोई दिक्कत नहीं। यदि हमको आवाज़ की ज़्यादा जरूरत पड़ती है तो हम यहाँ से मेन फेडर को बढ़ा देंगे और इस फेडर को थोड़ा नीचे उतार देंगे, और इस प्रकार से हम इसकी सेटिंग करेंगे तो आपकी बहुत ही मस्त सेटिंग आएगी, बहुत ही लाजवाब सेटिंग आएगी और कहीं से भी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं फटेगी। देख लीजिए, आप सुन लीजिए फिर से। इस तरह से आपने देखा कि मैंने जो आपको सेटिंग दिखाई है बिल्कुल लाइव दिखाई जा रही है, और लाइव की सेटिंग जो ग्राउंड में सेटिंग होती है वो अलग होती है, और जैसे हम कहीं कमरे पे बैठ के उसको आपको बताते हैं तो वो सेटिंग अलग होती है। तो वहाँ में और बाहर में बहुत ही अंतर होता है, इसलिए आपको ग्राउंड की सेटिंग पे ज़्यादा भरोसा करना चाहिए। और जो सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल ग्राउंड से सेटिंग है, इसलिए इस सेटिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि यदि ये वीडियो मैं घर पे बना के बताता तो उसमें उतना अच्छा नहीं क्लियर आता, और जब आप उसको हमारी सेटिंग को देख के वो ग्राउंड में कहीं बजाने जाते तो उसमें थोड़ा अंतर पड़ जाता और वो क्वालिटी आपको नहीं मिलती। तो ये ग्राउंड से जो सेटिंग है जहाँ सारे स्पीकर वगैरह लगे होते हैं तभी सेटिंग सही क्लियर आती हो, तभी हमको मालूम चलता है कि यहाँ पर ये हमारा बेस्ट रहेगा। तो इसलिए सेटिंग को आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जिन भाइयों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।